वेलकम टू फरीद एकेडमी, दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अज़ीम। आज हम देखेंगे हमारा श्रेष्ठ एडवर्ड टेंथ क्लास मास्टर चैप्टर टू पाइथागोरस थ्योरम में प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 39 पर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बेस्ड है दो थ्योरम्स पर, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो फाइंडिंग का पार्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम पर बेस्ड है और कौन सा फाइंडिंग का पार्ट पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन 7 जो आपको दिया हुआ है इन फिगर 2.21, तो आपकी यह है फिगर 2.21। उसमें क्या है, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई डी एफ ई, एंगल डी एफ ई ये 90 डिग्री है, एंगल डी एफ ई 90 डिग्री है। इफ़ जी डी इज 8, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री एफ जी, एफ जी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ई डी, एफ जी क्या है ई डी पे परपेंडिकुलर है, और जी डी क्या है इफ़ जी डी इज इक्वल टू 8, अगर जी डी 8 रहेगा और एफ जी 12 रहेगा तो आपको फाइंड करना है फाइंड ई जी, तो आपको ई जी फाइंड करना है। तो ये ई जी जो फाइंड करना है ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है। और जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है फाइंड एफ डी और ई एफ, ये जो दो पार्ट हैं ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह है ये ज्योमेट्रिक मीन से आएगा ई जी, और एफ डी और ई एफ किस तरह पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं यहाँ पर आपके बुक में, यहाँ पर जिस तरह दिया हुआ है। नंबर वन फाइंड करना है ई जी। तो सॉल्यूशन पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है, देखिए आपका एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल डी ई एफ, एक ट्राइंगल है डी ई एफ, उसमें क्या है एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई ये है आपका 90 डिग्री, एफ जी है परपेंडिकुलर ई डी पर, एंगल डी एफ ई ये 90 डिग्री है, एफ जी परपेंडिकुलर है किस पर ई डी पर, और जी डी की वैल्यू दी हुई है आपको, जी डी इज इक्वल टू 8 और एफ जी इज इक्वल्स टू 12। ये आपका यहाँ पर गिवन डाटा है। अब देखिए पहला हम फाइंड कर रहे हैं ई जी, ई जी हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट में वन और फाइंडिंग वन लिखेंगे, ई जी इक्वल्स टू व्हाट, तो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो हम यहाँ पर बाय डायरेक्ट लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स डिवाइड्स अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द हाइपोटेनस व्हिच इज डिवाइडेड। तो ये जो हाइपोटेनस में जो परपेंडिकुलर है ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, जो हाइपोटेनस डिवाइड हुआ है दो पार्ट में उसका वो ज्योमेट्रिक मीन है। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम क्या लिख सकते हैं कि हमको यहाँ पर देखिए एफ जी दिया हुआ है, यहाँ पर एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी इंटू जी डी, और एफ जी केवल गिवन है आपको यहाँ पर, एफ जी हमको है 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी हमको फाइंड करना है, तो ई जी एज इट इज़, और जी डी हमको गिवन है 8, तो ई जी क्या आएगा आपका, ई जी इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, रीअरेंजमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर एल एच एस में ई जी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये समझना है तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। देखिए ये 144 इज इक्वल्स टू ई जी इंटू 8, ई जी इंटू 8, ये क्या होगा 144 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ई जी, रीअरेंज द टर्म्स तो ये इस तरह आ जाएगा। अब ये देखिए 8 वन ज़ा और ये 8 वन ज़ा 6 रिमाइंडर है 4 आ जाएगा 64, 8 ज़ा 64, तो ई जी इधर फॉर ई जी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 18, ई जी की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आगे। आप यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं किया है आई थिंक, तो हम भी नहीं लिखेंगे यूनिट, तो ई जी आपका आ गया है 18। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर
कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखिए, हमको सेकंड क्या फंड करना है, एफडी। एफडी इज इक्वल्स टू व्हाट, तो एफडी इज इक्वल्स टू व्हाट, तो हम यहाँ पर इन ट्रायंगल भी यहाँ पर एफडी किससे फाइंड करें, कौन सा ट्रायंगल से मिलेगा, डी एफ जी से मिलेगा। इन ट्रायंगल डी एफ जी आपका 90 डिग्री किस पे है, डी जी एफ इज 90 डिग्री। डी जी एफ क्या है, ये 90 डिग्री है। तो बाय थ्योरम, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल डी एफ जी में जी एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ में हम आप इसको पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल पर लगाएंगे डी एफ जी पर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूस है आपका एफ डी, एफ डी आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें क्या बनता है, एफ डी स्क्वायर क्या है आपका, एफ डी आपको फाइंड करना है, तो एफ डी स्क्वायर एज इट इज जी एफ जी स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर लिख लेंगे 12 का 12 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 8, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 जो 144, 8 8 जो 64, ऐड करेंगे हम उसको क्या होगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4448 हो जाएगा, और 4 16 10 01 कैरी यहाँ पर आएगा 2208 को हम अगर हम दो फैक्टर में लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, जिसमें एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो 16 13 जा आता है, तो 3 9 का 2 का स्क्वायर 2 से भी लिख सकते हैं इसको, 16 13 जा उससे भी लिखेंगे हम, तो 16 13 जा और यहाँ पर हो जाएगा, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लेंगे हम टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल्स टू 4 root 13। इस तरह हम इसको अलग दूसरे फैक्टर में किस तरह लिख सकते हैं इसको, 4 से लिखेंगे तो आएगा क्या, यस, तो ये आ जाएगा 5 और ये 4 into 52 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट लेने पर 2 root 52। बोथ आर करेक्ट, दोनों भी करेक्ट हैं। तो एफ डी की वैल्यू हमको क्या मिली है, बुक में आपको 4 root 13 दिया हुआ है, इसको हम 2 root 52 भी हम लिख सकते हैं, तो हमको मिल गया है एफ डी यहाँ पर। अब इसको हम थर्ड बीट सॉल्व करते हैं। थर्ड बीट आपको यहाँ पर इसमें फाइंड करना है, आपको यहाँ पे ई एफ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हमको कौन सा है, जैसे ये हमको 18 मिला, ये 12 है, इन ट्रायंगल ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूस है आपका, आपको क्या फाइंड करना है, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर एज इट इज एफ जी है 12 स्क्वायर प्लस ई जी है आपका 18 स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 18, तो ये हो गया आपका 144 प्लस 18 इंटू 18 होगा 324।
दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 4 = 8, 4 + 2 = 6 और 1 + 3 = 4, 468। इसके हम फैक्टर बनेंगे 468 के, तो पहला फैक्टर बनेगा 6 13 × 36 और दूसरा फैक्टर मिलेगा आपको, देखिए दूसरा फैक्टर 4 के उससे जाता है क्या, देखिए 2 × 2 = 4 जाता है, 4 का भी फैक्टर मिलेगा इसका, तो 4 × 4 = 4 × 4 = 7, तो ये दो फैक्टर मिलेंगे, तो 1/1 हम सॉल्व करेंगे, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ई एफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 36 × 13, और उसी तरह साइड बाय साइड हम ई एफ स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अंडर रूट टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस तरह आएगा, ये आएगा 4 × 117। तो आप देखिए तो ई एफ आ जाएगा ये रूट 6 आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर है अंडर रूट 13। उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, ये ई एफ स्क्वायर ई एफ इज इक्वल्स टू 2 √117, अंडर रूट 117। तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन प्रैक्टिस 2 पार्ट 1 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।